ये भुट्टो कब बहुत होगा, भुट्टो हर वक्त जिंदा होता है, ये कब बहुत होगा, ये दर्जाल के टाइम पे भी फौत है। ये भुट्टो कब बहुत होगा, भुट्टो भुट्टो कौन है? आपको पता होगा कि भुट्टो आखिर क्यों नहीं पहुंचा, मुझे कोई बता नहीं रहा भुट्टो ने कब मरना है। भुट्टो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। ये भुट्टो कब बहुत होगा पता नहीं। मैंने कब्र ढूंढ के रखी हुई है उसकी कि इधर दबना। ये भुट्टो कब फौत होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है। भुट्टो तभी फौत होगा जब वो सबको ले डूबेगा। मतलब ले डूबेगा समंदर में। हाँ जी। फिर भुट्टो कब फौत होगा? यार मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके फौत हो जाए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, आखिर भुट्टो फौत कब होगा कोई पता है? मेरे ख्याल कयामत के बाद ही ये फौत होगा, उससे पहले नहीं फौत होगा। कदो मरेगा भुट्टो यार, ये रहती दुनिया तक नहीं मरता भुट्टो। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, ये भुट्टो आखिर फौत कब होगा पता नहीं। हम भी अभी तक सुनते ही आ रहे हैं, अभी नजर तो कहीं नहीं आ रहा भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम साहिबान कदरदान, नाम है ज़ुहैब कामरान, आप हमेशा की तरह मुझे देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV की तरफ से। हाँ जी हाँ जी, सही सोच रहे हैं, मैं आज भी कोई फ़न लेके आया हूँ। आज मैं लोगों से पूछूंगा कि आखिर ये भुट्टो फौत कब होगा। हाँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, लोगों से चल के पूछते हैं कि क्या भुट्टो वाकई ज़िंदा है, पता नहीं कब भुट्टो ने फौत होना है। चलो चल के पूछते हैं लोगों से कि यार ये क्या चक्कर है यार, मुझे भी नहीं समझ आ रही। हाँ मुझे ये बताएँ कि भुट्टो कब फौत होगा, वो क्यों ज़िंदा है भुट्टो? वो क्यों ज़िंदा है, ये उसकी मर्ज़ी, वो ज़िंदा है, अपनी मर्जी से जी रहे हैं हम तो, अपनी मर्जी से नहीं। वो जी रहे हैं, हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन वो जी रहा है, हम अल्लाह की मर्जी से जी रहे हैं। अच्छा, मतलब भुट्टो हर जगह पे मौजूद हैं, इधर भी मौजूद होंगे? मौजूद नहीं है, वो जी रहा है सिर्फ। मैंने समझा वो कोई जिन है, हर जगह मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि आईफोन के जो उसके ऊपर एप्पल बना होता है, उसके ऊपर चक किसने मारा, बाइट किसने किया? अगर मुझे मिलेगा तो मैं पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है। तो आपके पास यू फोन है? मेरे पास सस्ते वाले फोन है। जी मेरे साथ मौजूद है एक चंचल सी और खूबसूरत सी मैडम जो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, चक नंबर 232 शुजाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाकई आप शुजाबाद से आई हैं, ऑस्ट्रेलिया का शहर? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से लाहौर आई हैं? जी। क्या करने आई हैं? मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने आई। आपकी शादी है? जिससे भी है। नहीं मतलब वो कौन है आपका, वो क्या लगते हैं? अब होने वाले हस्बैंड है। होने वाले हस्बैंड है, होने वाला भाई तो नहीं होता ना, होने वाला हस्बैंड ही होता है। तो वो आपके क्या है रिश्ते में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, लव मैरिज है आपकी? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज है, आपको पता होगा कि भुट्टो आखिर क्यों नहीं पहुंचा, मुझे कोई बता नहीं रहा भुट्टो ने कब मरना है। भुट्टो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। जी मेरे साथ मौजूद है कोई मैडम, ये किसी भाड़े से किसी भाड़े से भागी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? पता नहीं, इनका नाम नहीं पता इनको, और ये पता नहीं किधर से हैं। आप पी के हैं? नहीं नहीं। तो खा के? खा के। अच्छा खा के हैं, खा के इतना बंदा नहीं होता, पी के होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये भुट्टो कब बहुत होगा। भुट्टो भुट्टो कौन है? वो कहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, वो कब जिंदा है, वो वाला भुट्टो। ये मुझे पता चल जाएगा भुट्टो ने कब बहुत होना है, मैंने भी मर जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आईफोन का जो एप्पल होता है उसके ऊपर चक किसने मारा, बाइट किसने किया? मैंने। आपने किया? लो जी नाजरीन, बंदा मिल गया है जिन्हें चक मारे आईफोन दे एप्पल नू, ते अज बंदा मिल गया ते फड़ा गया है। अच्छा आपने कब मारा था चक? जब वो उन्होंने वो एप्पल रखा था ना, तब मैंने मार। अच्छा इसलिए इनके दो दांत गायब हैं फ्रंट वाले, इन्होंने एप्पल को चक मारा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी शाहरुख खान, जो इनकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती ना ही आवाज़ मिलती है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद उमर। अच्छा मैंने समझा शाहरुख खान आपने पहले बोला ना। तो अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये भुट्टो कब बहुत होगा, भुट्टो हर वक्त जिंदा होता है, ये कब बहुत होगा? ये तो दर्जाल के टाइम पे भी फौत है। अच्छा नहीं ये बात वैसे क्या है कि भुट्टो जिंदा है, हमेशा जिंदा है, कब फौत हो, क्या कौन मारेगा यार? आपको पता शैतान को कोई नहीं मार सकता। ये तो आप बिजती कर रहे हैं सीधी सीधी। जी मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी खड़ी हैं, आके उनसे बात करते हैं। ऐ कौन है? ऐ जैसे सुना था लड़कियों का खोपर नहीं होता, वाकई आज देख लिया लड़कियों का खोपर नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडीज़, आज मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? अस्मा। अच्छा मुझे ये बताएं भुट्टो कब फौत होगा। पता नहीं, पता नहीं हमें क्या पता, ये हम बचपन से सुन रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा, कब बहुत होगा, कोई आइडिया है आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कब्र ढूंढ के रखी हुई है उसकी कि इधर दबना।
जो आईफोन है उसके ऊपर जो एप्पल बना होता है उसके ऊपर चक किसने मारा? भुट्टो ने मारा। भुट्टो ने मारा। वाकई भुट्टो ने मारा, इसलिए वो फिर अमर हो गया। जी वो वार की अमर हुए। क्या नाम है आपका वैसे? अस्मा। ये तो वैसे मैंने पहले पूछ लिया था, आप अपना नाम बताएं। अस्मा यूसुफ ही है। अच्छा अस्मा यूसुफ, अब पूरा नाम बताया आपने। ये आप खूबसूरत खूबसूरत कपड़े किधर से लेके आती हैं? लिबर्टी से। और कहीं से नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा शुदा शादी भी नहीं है? नहीं। अच्छा किसी तरह से भी नहीं? अच्छा तो कोई रिश्ता वगैरह हो गया आपका? नहीं अभी तो नहीं हुआ। थोड़ा सा? नहीं थोड़ा भी नहीं हुआ। थोड़ी सी शादी भी नहीं हुई? नहीं। लोग किस्तों पे कर रहे हैं शादियाँ? नहीं नहीं हमारी नहीं ऐसे। ये आपकी क्या लगती है? ये अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि वोटो कब वोट होगा? जब कयामत आएगी फिर। मतलब जब कयामत आएगी तो साथ सारे खत्म, फिनिश उन हाजा शम्पक्षुवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सजीला फगर। अच्छा मुझे एक बात बता, ये भुट्टो कब फौत होगा? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है। भुट्टो तभी फौत होगा जब वो सबको ले डूबेगा। मतलब ले डूबेगा समंदर में? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि जो आईफोन के ऊपर जो एप्पल बना होता है उसके ऊपर चक किसने मारा है? पूरा सेब क्यों नहीं रखा उन्होंने, चक मार के रखा है? वो भुट्टो ने आधा खा दिया। लो जी सारों को पता है भुट्टो ने खाया, हमें नहीं पता भुट्टो ने खा गया, इसलिए वो जीता जा रहा है। जीता जा रहा है। तो फिर वो सेब किधर से मिलेगा, हम भी खाएं और जीते जाएं? वो तो पता नहीं, वो तो भुट्टो को ही पता होगा, उससे जाके पूछें। वो वैसे तो फौत हो गया, हम किधर से जाके पूछें? और वो है जिंदा यार मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। क्या नाम है? कामरान। अच्छा कामरान साहब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है जिंदा है, आखिर भुट्टो कब फौत होगा? यार मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके फौत हो जाए। वो फौत ही नहीं हो रहा, वो हो नहीं रहा। बस दुआ करें हो जाए फौत हो, फिर पता कोई है तरीका है कोई, कैसे कैसे हो सकते हैं? दुआ ही कर सकते हैं, दुआ करके फौत करा सकते हैं, बददुआ करके नहीं करा सकते। फिर ये आवाम का शौर आ जाए कि ये लोग ये भुट्टो वगैरह या ये मरे हैं, फिर दूसरे लोगों की बारी है। ऊपर से तो जो करें अंदर पता नहीं क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, आखिर भुट्टो फौत कब होगा? कोई पता है? मेरे ख्याल क्या के बाद ही ये फौत होगा, उससे पहले नहीं फौत होता। मतलब ये सारों को मार के फिर आखिर में एंड में ये फौत होगा। अच्छा ये बताएं कि आईफोन का जो एप्पल होता है उसके ऊपर चक किसने मारा? भुट्टो ने। सारों को पता है भुट्टो ने मारा, मुझे आज पता चल रहा है। पता नहीं किस्मत में होगा तो ये क्या है, ये इसको चक मारने से कुछ नहीं होगा? इसको भुट्टो ही चक मार सकते। मौजूद है एक मैम, से पूछता हूँ। मैम आपका नाम क्या है? हिबा। अच्छा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, ये भुट्टो आखिर फौत कब होगा? पता नहीं, हम भी अभी तक सुनते ही आ रहे हैं, अभी नज़र तो कहीं नहीं आ रहा भुट्टो, उसके बच्चों में नहीं नज़र आता वो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये आईफोन के ऊपर जो सेब होता है एप्पल होता है उसके ऊपर चक किसने मारा, बाइट किसने किया? आपने। दसो लोग की कह रहे हैं पुट्टो ने मारे। मैंने फंड है। मेरे साथ एक शॉर्ट बॉडी बिल्डर मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ कि यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहरयार अहमद। अच्छा शहरयार साहब, मुझे ये बताओ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, कदो मरेगा भुट्टो यार? ये रहती दुनिया तक नहीं मरता भुट्टो। ये आईफोन के ऊपर, आपके पास भी आईफोन है, ये दिखाओ, ये इसके ऊपर जो सेब बना हुआ है, सेब के ऊपर चक किसने मारा है, पूरा क्यों नहीं है ये तो आप जिसने आईफोन बनाया उसको ही पता हो, शायद वो न्यूटन के सार के ऊपर गिरा था, उसने कोई चक शक मार दिया हो। अच्छा मौजूद है छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। क्या नाम है सर? एहसन। आपका? एहसन सलीम भट्टी। अच्छा मुझे ये बताएं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, भुट्टो कब मरेगा, क्यों जिंदा है अभी तक? पता नहीं किधर जिंदा है, किसको लग रहा है जिंदा है? नहीं ये स्लोगन जो बना हुआ है कि भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, मैं परेशान हूँ बड़ा, भुट्टो किवें जिंदा है? ये लोगों ने बनाया हुआ है, असल में मर गए हुए हैं वैसे। अच्छा चलो आप ये बताओ मुझे कि ये आईफोन के ऊपर जो एप्पल बना होता है इसके ऊपर चक किसने मारा, बाइट किसने किया? ये जिसने बनाया ना उसी ने लगाया मेरा। जिसने बनाया उसे भूख लगी, उसी ने चक मार दिया। तो वो एप्पल के ऊपर तो नहीं मारा होगा चक, वो तो मोबाइल खा गया। उसने चक सेब के ऊपर मारा था। सेब के ऊपर चक मारा था और मोबाइल के ऊपर कैसे लगा? वो उसने बनाने वाले ने हाथी बना दिया। अच्छा फिर वो लगा दिया ऐसे ठा कर दिया। जितना नाज़रीन जैसे कि देखा आपने, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी कोई कॉमिक वे में लेके गया है, कोई कॉमिक वे में लेके गया है और किसी ने सीरियस जवाब दिया है, मगर मेरा तो काम है कॉमेडी करना और मैं हमेशा आपको हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि कौन सा सवाल हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।